हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर कहाँ पर जा सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है और क्या उसके सपोर्ट हो सकते हैं, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं। साथ में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और एक पोजिशनल ट्रेड जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो सुनना, आपको जो है वो फ़ायदा होगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं पहले सपोर्ट से। तो जो नंबर वन सपोर्ट है दोस्तों, वो है क्रूड ऑयल के लिए 2940 लेवल। 2940 हम जो है वो वन बाय वन करके दोनों डॉलर टर्म प्राइस और एमसीएक्स प्राइस दोनों का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि डॉलर टर्म की जो इफेक्ट है वो भी हमारे ऊपर जो है वो रहती है। तो 2940 जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है और इसके नीचे जाके अगर ये क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है, तो 2900 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है और ये जो होगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 2900। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, इसके नीचे जाके अगर ये क्लोजिंग कर गया, इसके नीचे जाके रुक गया, तो हमें जो है वो 2880 के आसपास जो है वो ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे गया तो 2830। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपको एक बात का ध्यान रखना है। हमें, मैं आपको जब टारगेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है वो चार्ट के ऊपर एक कैंडल ऐसी बनी हुई है कि जिसको हम थोड़ा सा इनडिसीजन जैसा मान सकते हैं। तो वो अब उसके अगली कैंडल जो है, मतलब नेक्स्ट मंडे को ये क्या करता है, उसके बाद हमें उसकी इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। और तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड कैसे करते हैं ये भी दोस्तों जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैं एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड कैसे किया जाता है, उसका नाम क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, उसके टारगेट क्या होते हैं, वो सारी बातें जो है वो मैं आपको वो वीडियो के अंदर जो है, वीडियो के फॉर्म के अंदर एक पूरा कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, तो आप जो है वो कोर्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, नंबर वन जो टारगेट है क्रूड ऑयल के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 3030 का लेवल। अब यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है, जो हमारे दोस्त, जो हमारे जो ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर स्पेशली, तो वो दोस्तों को मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक क्रूड ऑयल जो है वो 3030 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। क्योंकि उसके नीचे अगर ये गया 3000 के, अभी तो लगभग 2970 के आसपास है, लेकिन हमें बाय करने के लिए वेट करना है 3030 के ऊपर क्लोजिंग होने का। क्योंकि उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, और जब तक ये स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आपको और देखने को मिल सकती है। तो कोई जल्दबाजी मत करना इसके अंदर, खास करके क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है। आप सब लोग जानते होंगे अभी जो ग्लोबल में जो मार्केट के अंदर न्यूज़ की इम्पैक्ट हो रही है, पूरे स्टॉक मार्केट ले लो, गोल्ड सिल्वर ले लो, कोई भी कॉमोडिटी ले लो, सबके अंदर जो है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। तो क्रूड ऑयल के अंदर तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। तो हमें जो है वो खास ध्यान रखना है, 3030 के ऊपर निकले तब जाके बाय करना है। अगर इसके नीचे, सॉरी, इसके ऊपर अगर ये जाता है, सो 3070 जो है वो हमारा एक फाइनल टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक जो है वो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर। और 3030 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट बनता है 3070 के आसपास बनता है,
और अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो पुर्तगाल के अंदर इंट्राडे के अंदर, तो हमारा ग्रुप है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस होते हैं। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन की भी बात बता दी। तो अब 3070 हमारा पहला टारगेट जो है आफ्टर 3030 उसके ऊपर जो है वो बनता है अगर हम बाय करते हैं तो। अगर 3070 के ऊपर अब ये अच्छी तरीके से सस्टेन कर लेता है तो 3100 के आसपास जो है वो जा सकते हैं, और इसके ऊपर जो है वो 3150 का जो लेवल है वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। लेकिन मैंने बताया दोस्तों न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो कोई जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा शांति से सब्र से काम करना है इसके अंदर, क्योंकि बार बार ये ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट जो है उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी अभी जो ग्लोबल इफेक्ट है उसकी वजह से। तो हो सके तो थोड़ा सा बीट एंड वर्क करके अच्छा सा हमें कोई लेवल मिले तभी जो है वो बाई या सेल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो डॉलर टर्म प्राइस है उसके अंदर क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है जैसे मैंने अभी बताया वैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो नंबर वन सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर क्रूड ऑयल इज 39.80 लेवल, विच इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। फ्रेंड्स इफ दिस लेवल कैन ब्रेक, सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन वी हैव टू स्क्वेयर अप अवर टेम्पररी लॉन्ग पोजिशन, बिकॉज बिलो दिस लेवल वी कैन सी सम मोर करेक्शन अप टू 38.80 लेवल। ओके सो वी हैव टू रिमेंबर 38.8 इज आवर फाइनल सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल, बट इफ क्रूड ऑयल कैन ब्रेक दिस लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस 38.80 then friends we can see some free fall type condition in crude oil around 38.20 to 37.80 level. Okay, so we have to alert when 38.80, which is our final support, if this support can break by crude oil, so we have to alert. So now we are discuss about the target price. Number one target for crude oil is 40.50 level. Okay, 40.50 is a very important target for crude oil. A trader who want to buy crude oil and want to save buy, then according to my personal opinion, buy only above 40.50 level. And our next target will be 40.90 level. Remember friends, 40.90 is our final target for crude oil. If this level can sustain by crude oil and also crude oil can close above this price, then we can see some very good rally around 41.50. Okay, 41.50 level to 42 level, okay, 42.10 level we can see after sustainable 40.90, which is our final target. Okay, so alert when 39.80 level can break by crude oil and close below this price, then we can see some more correction in crude oil. So friends, be careful for particular next week, because some news impact are too much in crude oil, in also all the commodity are affected by news. Okay, so it's my personal opinion, so be careful for particular next week. Thanks for watching this video.